हेलो एवरीवन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन की रिविजन की कंटिन्यूएशन दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सो लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन क्या होता है वो पढ़ा था दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे ऑट्रोट्रॉफिक एंड हेड्रोट्रॉफिक फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि हाउ डज प्लांट मेक फूड बाई दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस फोटोसिंथिस के रॉ मटेरियल भी पड़े थे प्रोसेस भी पड़ा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथिस क्या आया वो भी पड़ा और केमिकल रिएक्शन भी देखी फोटोसिंथिस की तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए उन्हें हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड उसके इन वो ऑर्गेनिजम्स के इस मोड को ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स ऑफ फूड दीज आर डिवाइडेड इन टू फोर कैटेगरीज

और जो पैरासाइट होते हैं वो अपना खाना डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल इज कस्कूटा

और जो सिंपल सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का बाद में उन्हें सेप्रोट्रॉप्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपना डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से उन्हें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और जितने भी डीकम्पोजर्स हैं उनको सेप्रोट्रॉस बोलते हैं एग्जाम्पल जैसे ईस्ट मशरूम माउल्ट और बहुत सारे बैक्टीरिया भी थर्ड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच डिराइव देर न्यूट्रीशन बाई कंज्यूमिंग इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म इंसेक्टिवरस प्लांट वो और प्लांट होते हैं जो अपना खाना डिराइव करते हैं या न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं किसी दूसरे इंसेक्ट को खाकर या किसी ऑर्गैनिज्म को खाकर एग्जाम्पल है पिचा प्लांट वीनस प्लाइट रा ड्रोसैरा ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवरस प्लांट के फोर्थ इज सेम्बाइसिस और

सिन का मतलब टुगेदर और बायोसिस का मतलब लाइफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ़ ऑर्गेनिज्मीसीज इज स्टेबलाइज एंड दे लिव टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके दो ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीशीज के और एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं उन्हें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं एग्जाम्पल है जैसे इसका लाइकन लाइकन जो है वो एग्जाम्पल है एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म दैट इज एलगी एंड फंजय फंगस जो होता है वो होल्ड करता है एल्गल सेल को और सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल ऑन अदर हैंड जो एल्गी है वो प्रिपेयर करता है फूड और सप्लाई करता है फंजाई को आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें